आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपकी मुर्गी कितने ही साल अंडे ना दिए हों, मगर वो बहुत ज़्यादा कीमती हो मुर्गी, उसके अंडे कैसे ले सकते हैं, या आपकी मुर्गी अब ब्रीडिंग सीज़न है, ये आखिरी मार्च तक या अप्रैल तक ही ज़्यादातर आप बच्चे ले सकते हैं, इसके बाद इतनी गर्मी पड़ेगी कि मुर्गी अंडों पर भी बैठा नहीं सकते। तो आपने ऐसा करना है, मुर्गी जब भी आपकी अंडे ना दे, कितने महीने हो जाएं या साल हो जाएं मुर्गी अंडे ना दे, तो मेरा आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो प्रॉपर देखें, इंशाल्लाह आपको फुल समझ लग जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जी सभी भाई ठीक होंगे, शोक अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत अच्छा और बेहतरीन जा रहा होगा। आपका होस्ट एंड दोस्त फहद हुसैन आज न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दोस्तों आज आपको ऐसा नुस्खा शेयर करने लगा हूँ जो अस्ता लोग नहीं बताते। दोस्तों सब कुछ लोग बता देते हैं, मगर पहले का प्रोसेस नहीं बताते कि जिससे वो ठीक होगा। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, तो आपकी मुर्गी जितने साल मर्जी बूढ़ी भी हुई होगी ना, वो अंडे रोक गई होगी तो वो अंडे ज़रूर देगी। उसके जोल में कोई भी मसला हो, ये नुस्खा करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। ये बात आप लिख लें, ठीक हो गया। तो वीडियो आप एंड तक देखें। तो नए आने वाले से ये गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ तकरीबन वीडियो अपलोड होती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो उस्ताद लोग नहीं बताते। ये कितने कितने साल भी लोग शिगिर्द हों फिर भी नहीं बताते। ऐसे मैं नुस्खे आपसे शेयर करता हूँ, हर एक बीमारी का इलाज, ब्रीडिंग के मतलब, लड़ाई के मतलब, तकरीबन हर चीज़ सीलों के मतलब मैं बताता रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा आजमाया हुआ नुस्खा, तकरीबन मेरे पास मुर्गी थी, उसको मैंने हर हरबा तकरीबन यूज़ कर लिया था, खुली भी छोड़ता था हर एक हरबा। जो पीछे वीडियो बनाई है ना उसमें भी वो करके देखा, मगर उससे भी फ़र्क नहीं था पड़ा। वो पहले अंडे दे रही थी, बाद में उसकी साथ वाली तो अंडे दे रही थी, वो तकरीबन 6-7 महीने उसने अंडे नहीं दिए। तो मैं तो परेशान हो गया, मैं मुझे लगता था ये अब लाल करनी पड़ेगी। मगर मुझे एक बहुत अच्छा नुस्खा एक उस्ताद ने, मैं यूट्यूब पर देखा था, तो उन्होंने कैसे बताया था तो मैंने भी वैसा किया, तो वो वाकई ही मुझे असर किया और मुर्गी अंडे देना शुरू हो गई, जोड़े लगना शुरू हो गई। अगर भी दोस्तों आपकी मुर्गी चर्बी, अगर महसूस हो पीछे चर्बी है, तो चर्बी हो, या मेरी जो थी ना मादी वो खुश्क थी, नीचे से चर्बी बिल्कुल खुश्क थी, उसके अंदर चर्बी थी, एक की बाहर चर्बी होती है, एक ही अंदर होती है चर्बी, ये दो ज़्यादातर होता है ऐसा। और या फिर ऊपर जोड़ के जो दुम का जोड़ होता है ना ऊपर, वो आप जब गांड जोड़ चेक करते हैं ना, उसके साथ ही एक निप बनी होती है। अगर निप ज़्यादा गंदगी गलाजत हो, आपको फील हो, तो आप उसको ऐसे सही तरह दबा के सारा कुछ गंदगी गलाजत निकाल दे, इससे भी मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट हो जाती हैं, इसे चोर बंक बोलते हैं, ठीक होगा। अगर ये भी देख लिया नहीं अंडे दे रही, तो चर्बी का कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी हो चर्बी मसला, तो या जोड़े नहीं होती, ये काम करें जोड़े होगी। पहली बात ये दोस्तों, डवर्मिंग करनी है। जो लोग नहीं बताते यार के डवर्मिंग करनी है, डवर्मिंग दोस्तों लाजमी है। सबसे पहले आपने उसको फुल साफ़ करना है, ठीक हो गया, पहले उसे साफ़ करें। वो कैसे, मैं आपको ज़्यादा महंगा ऑक्साफैक्स नहीं बताता, आप जेंटल ले आएँ, जेंटल मिल जाएगी 30 रुपये की, इतनी वो ले आएँ शीशी। उसको पहले मादी को अलग कर लें, मुर्गे से अलग रखनी है आपने, फिर ही वो ये काम करेगा। मुर्गे इसे अलग कर ली, फिर आपने क्या करना है, उसको सुबह कुछ नहीं देना, तो आपने फिर चेक भी करना है वो उसकी बीट कैसी, अब उसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं डवर्मिंग के बाद, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर पेट में कीड़े हों या कोई भी मसला होगा, वो इससे जाता रहेगा। पहले उसको इतना सा गुड़ दें, गुड़ खिला लिया, तकरीबन आधा घंटा या घंटे बाद आपने उसको जेंटल होती है ना उसमें पानी मिला कर, इतना सा दो टीके ना, दो या तीन टीके अच्छी तरह पोटा फुल कर देना। तो आप देखेंगे जब भी वो बीट मारेगी, आपको समझ लग जाएगी कि इसके अंदर चर्बी आ रही है, ये ख़त्म हो रही है,
जब चर्बी ख़त्म हो जाए। एक दिन आप ये करके देखें, फिर रात को ना आपने भला क्या करना है, कच्ची पक्की रोटी करनी है। ठीक हो गया, कच्ची पक्की, जैसे एक कच्ची पक्की रोटी होती है ना, जैसे एक तो पूरी पक्की होती है, ऐसे ही आपने आटा ले लेना, उसमें आपने मिलाना है आंबा हल्दी, मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अगर वो ना भी मिले तो आपने दूसरी हल्दी यूज़ करनी है। उसको एक पेड़ा बना ले इतना सा, जितना मुर्गी खा ले आराम से, वो आपने ऐसा करना है कि उसको कच्चा पका कर लेना, फिर बाद को आपने वो ही मुर्गी को खिलाना रात को। तो वो दोस्तों सुबह भी ये काम कर सकते हैं और शाम को भी आपने ये काम करना है, डवर्मिंग के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सुबह भी यही काम करना है, शाम को भी ये काम, इतना सा आपने लेकर इतना सा पेड़ा, तो उसमें आपने आटा भी मिला लेना, आटे के अंदर इतनी सी हल्दी मिला लेनी है, आंबा हल्दी मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो वो भी काम चल जाएगा। मैंने आंबा हल्दी मुझे नहीं मिली थी, एक छोटी सी इतनी सी गुल्थी मिली थी पहले, तो अगर आंबा हल्दी मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो दूसरी हल्दी भी काम कर जाएगी। अब दोस्तों आपको पता है जुमे का है, टाइम हुआ, मगर मैं आपके लिए, मैं सोचा थोड़ा सा टाइम आया तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अब आपने दोस्तों क्या करना है, उसको कच्ची पक्की सुबह भी खिलानी, शाम को खिलानी, तकरीबन ये काम आपने तकरीबन 7 दिन करना है। मुझे 3 दिनों में फ़ायदा हो गया था, मुर्गी अंडे देना है, 3 दिन के बाद मैं मुर्गे के साथ छोड़ी जोड़े होना शुरू हो गई थी, मुझे इतना फ़र्क पड़ा था, उसको मादी के नुस्खा काम कर गया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आपने ऐसा ही करना है, इंशाल्लाह मादी आपकी अंडे देगी। ये आखिरी हड़बा है जो मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, कोई भी मुर्गी को मसला हो, चर्बी हो या ज़्यादा एजड मादी हो, इससे इंशाल्लाह अंडे देगी। ये आप मुझे दवाएं देंगे, फाद भाई आपने नुस्खा बताया तो वो बिल्कुल काम किया। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है मादी के लिए, कोई भी उसको अंडे का मसला हो, ये आप दें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो लेकर, और मेरे ये टिकटॉक पर फॉलो करें फाह जानी, इंस्टाग्राम पर फाह जानी, और टिकटॉक और और फेसबुक पर फाह जानी, ये FAHID फहद JANNI, ये आप मेरी टिकटॉक आईडी है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों एक ही स्पेलिंग है। इसके बाद आपने क्लिक करेंगे ना यहाँ पर टाइटल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है, उसे लाइक करें, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर मुझे आप कोई भी पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा, फ्रेमैश वीडियो भी बना सकता हूँ आपका नाम लेकर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी, अपने फादर हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखना, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।